हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आर ओ यार ओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब एग्ज़ाम होना है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और सीट बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है तो हमें पढ़ाई भी अच्छे से करनी होगी, है ना। तो मुझसे जो लोग भी जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे जितना आता है, मुझे जो भी पता है, मैं शेयर करती रहूँ और आप लोग भी मुझसे पूछते रहते हैं। इसी सीक्वेंस में मैं 100 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं ना पढ़ाई करूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करूँगी और वो चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहें, आप लोग भी पढ़ाई करते रहें और जितना भी इम्पॉर्टेंट हो सकेगा मुझसे, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड, PCS मेंस का एग्ज़ाम जब से ख़त्म हुआ है, उसके बाद से मैंने कोई अभी तक पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि बीच में मेरे पास बहुत सारे काम थे, वो मुझे करने थे और मेरा DV भी था, उसको भी करना था। तो अब मैं फ्री हुई हूँ पूरी तरह से, जिसमें अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ भी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताती रहूँगी। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कैसे करने वाली हूँ। मेरे पास 5 डेज़ हैं, इसमें मैं PYQs कंप्लीट करूँगी। तो जो भी मैं PYQs अभी कर रही हूँ, उसमें मैं आपके साथ हिंदी का पहले शेयर करूँगी, ठीक है। हिंदी में जैसे कि 6 टॉपिक हैं और उन 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर का होता है पेपर, ठीक है। तो उसमें से आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ विलोम शब्द शेयर करूँगी, जो भी अभी तक 2010 से ले करके 2021 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, आर ओ ए आर ओ के, उसमें विलोम शब्द जितने भी आए हुए हैं, मैं एक वीडियो में उनको कंप्लीट कर दूंगी। और साथ में ही कुछ PYQs MCQ के फॉर्म में भी मैं सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझते हुए चलिएगा। मैं शब्दों के अर्थ भी बताती रहूँगी, ताकि आप लोगों को लॉन्ग टाइम वो चीज़ें याद रहें, ठीक है, और जितना पॉसिबल हो सकेगा समझ करके याद करने की कोशिश करेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करते हैं Day 1 से। आज हमने पहला टॉपिक लिया है विलोम शब्द। मैं पहले बता दूं इसमें कि क्वेश्चन तो एक होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया है, एक तो क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होता है वो लिया है, बाकी जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं वो भी लिया है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो अदर ऑप्शन हैं, जैसे कि 2016 में एक क्वेश्चन आया जिसमें 4 ऑप्शन हैं, और नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ तो मैंने उसमें देखा है कि उन ऑप्शन को उठा करके क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन को भी लिया है। तो क्वेश्चन आपको भले ही दिखेगा एक, ठीक, जैसे कि एक ये पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम का विलोम क्या है, तो ये आप सबको पता है अंतिम होता है। पता हो या ना पता हो, बस अच्छे से इसको देखते जाना है और अपने माइंड में इन सारी चीज़ों को स्टोर करते हुए जाना है, क्योंकि यही सब आता है। देखिए 2021 में क्या पूछा, प्रथम और अंतिम, प्रधान का गौड़, ये इसका क्या था, ऑप्शन था, ठीक है, प्रथम का अंतिम तो आंसर है, लेकिन जो ये दोनों दिए हुए थे ये ऑप्शन में दिए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए प्रधान का क्या है, गॉड है। इसी तरह से अनुग्रह का विग्रह होता है और आग्रह का दुर्ग्रह होता है। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है, आपको एक ऑप्शन दिया होगा अनुग्रह और उसमें विग्रह लिखा होगा, दुर्ग्रह लिखा होगा, अपरिग्रह लिखा होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है और परिग्रह का अपरिग्रह होता है। ये 3 कन्फ्यूज़न वाले हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आदृत, आदृत का तिरस्कृत, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में तिरस्कृत था तो तिरस्कृत लिया है, अगर अनादृत होता तो वो लेते, क्योंकि आदृत का मतलब क्या होता है, जिसका आदर किया जा रहा हो, ठीक है, और अनादृत जिसका अनादर किया गया हो, तिरस्कृत भी वही होता है जिसका अनादर किया गया हो। फिर आते हैं यहाँ पर था आपत्ति और विपत्ति, दोनों का संपत्ति होता है, ऑप्शन में क्या दे देता है, आपत्ति का विलोम विपत्ति, तो वो फिर पेयर गलत हो जाता है। हमें तो सुनने में सही लगता है आपत्ति विपत्ति, लेकिन वो विलोम शब्द सही नहीं है, वो पेयर सही नहीं है, आपत्ति का भी संपत्ति होता है और विपत्ति का भी संपत्ति होता है। और ऑप्शन में दे देता है गणतंत्र और जनतंत्र, हमें पढ़ने में ऐसा लगता है कि हो सकता है इसका विलोम होगा ये, लेकिन दोनों का ही विलोम राजतंत्र होता है, ठीक है, गणतंत्र और जनतंत्र का विलोम राजतंत्र। अवर्षण का अनावर्षण, आधुनिक का ये तो सभी को पता है प्राचीन होता है, और अर्वाचीन का भी क्या होता है, प्राचीन होता है, तो जो 2 कॉमन हो उनको एक साथ लिख लिया जाए ताकि वो याद रहें,
समीचीन का असमीचीन, कन्फ्यूज़न वाले हों उनको भी साथ में लिख लिया जाए। तो यहाँ पर आधुनिक प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, समीचीन का असमीचीन। यहाँ पर देखिए आवर्तक का अनावर्तक, प्रवर्तक का अप्रवर्तक, ठीक है, और आवृत का अनावृत। तो आवृत का जो अर्थ होता है वो होता है दोहराया हुआ, और अनावृत जो दोहराया ना जा सके। आवृत्ति जानते हैं ना, आवृत्ति मतलब दोहराओ। गौरव और लाघव ये तो याद ही हो जाता है। वैभव का दारिद्र होता है, यहाँ पर हम लोग दरिद्र बोलते हैं, तो ऐसा अगर ऑप्शन में दिया है आ की मात्रा नहीं लगी है तो ध्यान देना है, ठीक है। वैभव का दारिद्र, और इसी तरह से पराभव का विभव। सदाचार का कदाचार होता है, और आचार का अनाचार होता है। अमृत का विष, अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम, और विरक्ति इसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से आसक्ति मीन्स भी क्या है, प्रेम होता है, और ये अनासक्ति इसका विलोम होगा। तो ध्यान देना है डिफरेंस। नैसर्गिक और कृत्रिम ये दोनों विलोम हैं, जबकि प्राकृतिक क्या है, ये भी कृत्रिम का विलोम है। तो नैसर्गिक और प्राकृतिक को ध्यान देना है कि इन दोनों का ही विलोम कृत्रिम होता है। ऑप्शन में कभी कभी नैसर्गिक और प्राकृतिक लिख करके आ जाता है, तो ये ध्यान देना है कि ये दोनों नहीं विलोम है, जबकि ये विलोम है, ठीक है, इन दोनों। यहाँ पर देखिए अनुर्वर, बंध्य और ऊसर, तीनों का ही विलोम क्या होगा, उर्वर होगा। आविर्भाव का तिरोभाव। हमारा एक पेपर कंप्लीट हो चुका है 2021 का, अब 2020 का स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए भौतिक का आध्यात्मिक, प्राची दिशा है, ठीक है, प्रतीची यानी कि पूरब और पश्चिम। इस तरह से समष्टि का व्यष्टि, विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, अमिया का हलाहल, विग्रह का संधि। ये क्वेश्चन ऐसा था, इसमें पेयर देखना था कि कौन सा पेयर सही नहीं है। तो विधि निषेध सही था, आह्वान विसर्जन सही था, ये आग्रह दुराग्रह यहाँ पर लिखा है ना, आग्रह का विग्रह वहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर वो गलत हो जाएगा। पढ़ने में तो लग रहा है कि आग्रह विग्रह सही है, लेकिन नहीं, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, और जबकि विग्रह का संधि होता है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कहीं पर आग्रह अलग दे दिया है, कहीं पर विग्रह अलग दे दिया है, और कहीं पर इन दोनों को पेयर बना करके दे दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से इसमें भी दिया हुआ था, इस में भी। इस तरह से देखिए संकीर्ण का क्या होगा, ये नहीं है। संकीर्ण का विलोम क्या होता है, विस्तीर्ण। और आदृत का अनादृत या निरादृत, दोष का गुण, आदोष का सदोष। जिस कंटेक्स्ट में पूछा जाए क्वेश्चन, जिस भाव में पूछा जाए क्वेश्चन, उसी भाव में आंसर देना है। जैसे तद्भव में पूछा जा रहा है तो उसका आंसर भी तद्भव में देना है, और तत्सम में पूछा जा रहा है तो तत्सम में देना है। अभी मैं बताऊंगी कि तत्सम तद्भव टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं विलोम के। आविर्भूत का तिरोभूत, ठीक है, क्षणिक का शाश्वत, आग्रज का अनुज, मौन का मुखर। आग्रज अनुज तो पता ही होगा, आग्रज बड़ा और अनुज छोटा होता है। बर्बर सभ्य, शानदार शर्मनाक। क्वेश्चन में दे देता है अनुचर और परिचर, हम लोगों को लगता है कि ये क्या है, विलोम है एक दूसरे के, लेकिन ये समानार्थी है, दोनों का ही अर्थ सेवक होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुचर और परिचर समानार्थी है, ना कि विलोम, और इन दोनों का अर्थ सेवक होता है। 2020 के पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है विलोम का, वो है इसमें से देखना था, मतलब इतने दिए हुए थे पेयर में कि सही कौन है गलत कौन है। यहाँ तो मैंने सही लिखा हुआ है, अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख दुख, आच्छादित का अनाच्छादित। अब स्टार्ट होता है हमारा 2017 का पेपर, जिसमें देखिएगा पहला क्या है, निषिद्ध। निषिद्ध यानी कि जिसे रोका गया हो, मतलब मना किया गया हो, और विहित मिस उचित, जिसको रोका ना गया हो। शुष्क का आद्र होता है, ये तो सबको पता है। और स्थूल सूक्ष्म, स्थूल मिस बड़ा, सूक्ष्म मिस छोटा। उपयोग अनुपयोग, दक्षिणावृत्त वामावृत सुना है ना, इसी तरह से दक्षिण और वाम। विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य, उद्यम का आलस्य, उद्यम मतलब होता है कि बहुत, मतलब श्रम करने वाला, और आलस्य तो आप समझ ही रहे हैं। पृथक का संयुक्त, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का असंयुक्त। अज्ञ और विज्ञ, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, अज्ञ विज्ञ अभिज्ञ अनभिज्ञ, तो अर्थ जब याद कर लेंगे ना तो नहीं भूलेंगे। देखिए अज्ञ का मतलब क्या होता है, अज्ञानी, जिसको कुछ पता ना हो। विज्ञ मतलब बहुत ज्ञानवान। इसी तरह से अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अभिज्ञ ज्ञानवान, जिसको पता है,
जो जानकार है और अनभिज्ञ जो जानकार नहीं है। तो ऐसा देखने में ये जो विज्ञ और अभिज्ञ दोनों का अर्थ समान है। इसी तरह से अज्ञानी यानी कि अज्ञ और अनभिज्ञ जिसको कुछ ना पता हो, ये दोनों समान है। तो कन्फ्यूज़न मत रखिए। चल अचल, निरपेक्ष सापेक्ष, बंधन मोक्ष, जारज और औरस। जारज मिस होता है उपपत्ति से उत्पन्न पुत्र और औरस मिस होता है वैध पुत्र। तो ये जो क्वेश्चन है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी बहुत पूछा जाता है, जारज और औरस। तो ये विलोम भी है तो इसको आप याद रखिएगा। आग्रह दुराग्रह, देखिए अभी हम लोग ने दो ही पेपर सॉल्व किया, उसमें देखिए आग्रह और दुराग्रह दो बार आ गया। और ये 2017 का लास्ट क्वेश्चन, ईप्सित का अनीप्सित, अमित का परिमित, हया का बेहया और अघी का निरग। अघी मिस होता है पापी, निरग मिस होता है जिसने पाप ना किया हो। इसी तरह से ईप्सित मतलब होता है जिसकी इच्छा की गई हो और अनीप्सित मतलब होता है जिसकी इच्छा नहीं की गई है, ये कई बार पूछा गया है। परिमित होता है जिसको मापा जा सके, ठीक है, और अमित इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए 2016 का स्टार्ट हो रहा है, पहला क्वेश्चन इसका क्या था, व्यष्टि समष्टि, और इसी में चार ऑप्शन थे, समास का व्यास, समवेत का असमवेत, समस्त का कुछ। देखिए व्यष्टि और समष्टि हम लोग तो अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि मिस होता है छोटा, समष्टि मिस होता है बड़ा। समास का व्यास, समवेत का मतलब होता है एकत्र और असमवेत इसका उल्टा हो, समस्त मतलब सब कुछ और इसका उल्टा असमस्त या कुछ हो सकता। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें देखिए उपमेय का अनुपमेय, तुलनीय का अतुलनीय, उपमित का अनुपमित, ये तो सब इजी है। सुलभ का दुर्लभ, सुप्राप्य का दुष्प्राप्य, लब्ध अलब्ध, प्राप्य अप्राप्य। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक साथ लिखा हुआ है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। सुलभ दुर्लभ ये तो ईजी है, सुप्राप्य जो आसानी से प्राप्त हो सके, दुष्प्राप्य जो कठिनाई से प्राप्त हो, लब्ध और अलब्ध, प्राप्य जिसको प्राप्त किया जा सके, अप्राप्त जिसको ना प्राप्त किया जा सके। तो दे करके ऑप्शन जो सुइटेबल हो उस क्वेश्चन के लिए, उस शब्द के लिए वही चूज़ करना है। मान लीजिए सुप्राप्य है, उसमें दुष्प्राप्य भी है, अप्राप्य भी है, प्राप्य भी है, तो आपको ध्यान देना है कि सुप्राप्य के लिए दुष्प्राप्य सही है। दीर्घायु का अल्पायु, तृष्णा का वितृष्णा, नश्वर और क्षणिक का शाश्वत होता है। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पर, निषिद्ध का विहित होता है, फिर देखिए रिपीट हो रहा है, भूगोल का खगोल होता है, सहयोगी का प्रतियोगी, जोड़ घटाओ, पोषक शोषक, पोषक पालने वाला, शोषक हरण करने वाला। अब देखिए 2014 का पेपर जिसमें ये विलोम आए थे, जंगम का स्थावर होता है, याद कर लीजिएगा, दुर्गम का सुगम, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, सुगम आसानी से जहाँ जाया जा सके, अगम्य का गम्य, चंचल का स्थिर, ये ऑप्शन थे, ठीक है, और ये क्वेश्चन था जंगम का स्थावर, ये बहुत पूछा जाता है। सृष्टि का प्रलय, व्यष्टि का समष्टि, फिर से देखिए ईप्सित अनीप्सित पूछ लिया गया, ईप्सित जिसकी इच्छा की गई हो, अनीप्सित जिसकी इच्छा ना की गई हो, ये क्वेश्चन बहुत आता है। साचर्य और अलगाव, PCS में भी बहुत पूछा जाता है साचर्य और अलगाव। नियोग का वियोग, वैमनस्य का स्वमनस्य, वैमनस्य होता है उदास मन या उदासी और स्वमनस्य होता है प्रसन्नता। विराट यानी बहुत बड़ा, शुद्र यानी कि छोटा, स्पृश्य का अस्पृश्य, अज्ञ का विज्ञ, फिर वहाँ पर देखिए रिपीट हो गया, गौरव का लाघव, ये भी रिपीटेड है, बहिरंग का अतरंग, ग्रस्त का मुक्त, ग्रस्त मुक्त, सुप्त का जागृत, गाय का त्याज्य, त्याज्य ठीक है, त्याग नहीं त्याज्य, यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है ग्राह लिखा है ना, तो इसी तरह से इधर का ऑप्शन जो होगा वो भी आपको त्याज्य ही लेना है, त्याग नहीं लेना है। लुप्त का प्रकट, तो ये 10 क्वेश्चन थे और ये ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट थे वो भी मैंने कवर किया हुआ है। 2013 का देख लेते हैं आप, प्रत्यक्ष परोक्ष, सामान्य का विशिष्ट, अमर का मर्त्य। यहाँ पर देखिए मैं ये कह रही थी कि अगर तत्सम में पूछा जा रहा है तो तत्सम में ही देना है। यहाँ पर देखिए एक मर्त्य होता है, एक मरण होता है, मृत्यु होता है, मृतक होता है, तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से आंसर देना है। अगर मृतक पूछा जा रहा है तो जीवित वाला सही ऑप्शन होगा, मृत्यु पूछा जा रहा है तो जन्म सही होगा, मरण अगर पूछा जा रहा है तो जीवन होगा, इस तरह से ध्यान रखना है। तो अमर का मर्त्य होगा, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, जीवित मृतक। उपकार का अपकार, ऑप्शन में आपको अनुपकार भी मिलेगा लेकिन उपकार का अपकार होता है विलोम। तिमिर अलोक, उक्त का अनुक्त, निर्दय का सदय होगा, ऑप्शन में स हृदय भी होता तो ध्यान रखिएगा, निर्दय का स हृदय हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, तो निर्दय का सदय ये ध्यान रखिएगा। उन्मीलन का निमीलन, उत्कर्ष का अपकर्ष,
आविर्भाव का तिरोभाव। आविर्भाव भी देखिए रिपीटेड है, इसका भी अर्थ क्या होता है, प्रकट होना। आविर्भाव प्रकट होना, तिरोभाव छिपा होना। अब लास्ट देख लेते हैं, 2010 में जो क्वेश्चन आए थे, अथ का इति, अथ मिस होता है आरंभ करना, इति यानी कि समाप्त। अभिज्ञ का देखिए क्या होगा, अनभिज्ञ। विज्ञ का क्या होगा, अज्ञ। अगर क्वेश्चन अभिज्ञ है और ऑप्शन में अनभिज्ञ नहीं है तो आप अज्ञ भी टिक कर सकते हैं। अभिज्ञ मिस क्या होता है, जो जानकार हो। विज्ञ मिस जो जानकार हो। अनभिज्ञ और अज्ञ मिस जो जानकार ना हो। कृतज्ञ कृतज्ञ। संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये भी देखिए रिपीटेड है, अभी हम लोगों ने 2021 वाले में देखा था कि संकीर्ण का विस्तीर्ण। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए विकीर्ण आ जाता है, लेकिन विकीर्ण एकत्र का होता है। एकत्र विकीर्ण सही है, संकीर्ण विस्तीर्ण सही है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा। अनुरक्ति मैंने बताया था कि अनुरक्ति मिस प्रेम, विरक्ति मिस इसका उल्टा घृणा। और सापेक्ष का निरपेक्ष, विग्रह का संधि, उपेक्षा का अपेक्षा यानी कि अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज अनुज, आदान प्रदान, उन्नत का अवनत, यथार्थ जो वास्तविक है, आदर्श इसका उल्टा, साधु असाधु। तो मात्राएं भी देखते हुए चलना है। अगर आप विलोम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बस विलोम रट रहे हैं, आप उन शब्द को भी देखते हुए चलिए, क्योंकि वर्तनी शुद्धि वाला भी एक पार्ट है आरोह यारोह के सिलेबस में। तो आप एक साथ दो चीज़ें तीन चीज़ें जितना हो सके आप उतना देखते हुए चलिए कि हमें ये शब्द आ सकता है कहीं और भी, उस हिसाब से भी देखिए उसको, ठीक है। तो जैसे साधु मात्रा देख लीजिए, इसमें छोटे ओ की मात्रा है, असाधु। इस तरह से मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप मात्राएं भी देखते चलिए। तो ये था पेपर जो हो गया है, अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़ को। तो देखिएगा इसमें जो विलोम लिखे हुए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखिएगा सामान्य का क्या होगा, ये तो सबको पता होगा, सामान्य का इन चारों ऑप्शन में विशिष्ट। अमर का क्या होगा, यहाँ पर मृतक दिया है, मृत्यु दिया है, मरण दिया है, मर्त्य दिया है। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान से देखिएगा, अमर का क्या होगा, मर्त्य होगा। और उपकार का क्या होगा, अपकार होगा। ऑप्शन में देखिए अनुपकार भी दिया है, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अपकार। आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव। उक्त का अनुक्त। निर्दय का इसमें देखिए क्या है, सदय होगा। उन्मीलन का क्या होगा, निमीलन। उत्कर्ष का अपकर्ष। बताइएगा आप लोगों का कितना सही हो रहा है। इसी तरह से चलिए आइए 10 और करते हैं। ईप्सित का क्या होगा, अनीप्सित। स्वजाति का विजाति। उन्मूलन का रोपण। अमित का परिमित। श्री गणेश का इतिश्री। धनी का निर्धन। उन्मीलन का निमीलन। ये देखिए कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उन्मूलन, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उन्मीलन। दोनों ही के आंसर क्या होंगे, अलग होंगे। उन्मूलन का रोपण होगा और उन्मीलन का निमीलन होगा। अधिकृत का अनाधिकृत। ऑप्शन देखिएगा सही से, मात्राओं की खाली बस थोड़ी सी हेरा फेरी है, बाकी ऑप्शन देखिए कई सारे एक जैसे हैं। तो अधिकृत का क्या होगा, अनधिकृत। अनुलोम का प्रतिलोम। परिश्रम का क्या होगा, विश्राम। अब ये एक क्वेश्चन है, इसका आप लोग बताइएगा आंसर, ठीक है, क्या सही होगा इसमें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। डे 1 में हमने विलोम शब्द को कंप्लीट किया है और अब हम डे 2 में सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम अपने सारे PYQs को कवर कर लेंगे और धीरे धीरे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास अभी लगभग 100 दिन का टाइम है जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से अपना पढ़ सकते हैं। तो चलिए सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।